अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 7 जनवरी ट्यूजडे यानी मंगल का दिन है। आज सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से कई सारे मुस्तहिक मजबूर ज़ईफ लोगों की मदद हो सकती है। इस वक्त मैं मादरना पेट आई हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं नाना नानी रहते हैं ज़ईफ, और ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। पिछले 4 दिन से नानी नाना मेरे पास आ रहे थे कि इनको नाना जो है आपको नजर आ रहे हैं। ये नाना ऑटो चलाते थे पहले, लेकिन अब इनको से काम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा कमजोरी की वजह से वो ऑटो नहीं चला सक रहे हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि इनके पास इस वक्त कुछ भी कारोबार नहीं है नाना के पास। और ये जो आप कमरा देख रहे हैं, कमरे की जिंदगी है इनकी, ये ही कमरे में दोनों मियाँ भी रहते हैं और इनकी एक बेटी का इंतजाम। यहाँ देखें, यहीं पर पकाना करना, यहीं पर सोना, बस एक कमरे की जिंदगी। और ये एक कमरे का किराया इनका 2000 रुपये किराया है, और खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, और ऊपर से इनकी एक बेटी का इंतकाल हो गया जिसके 2 बच्चे हैं मासूम, वो भी जिम्मेदारी इन्हीं नाना नानी के ऊपर है। दोनों यतीम बच्चों की जिम्मेदारी भी नाना पे नानी पे है। तो ये नाना नानी चाहते हैं कि अगर अंकल को, ये नाना को अगर एक कारोबार लगा कर दिया जाए, जैसा कि इन्होंने मौस का कारोबार करना चाहते हैं बंडी के ऊपर, तो अगर इनको मौस की बंडी का कारोबार अगर लगा कर देंगे तो ये एक जगह ठहर कर ही अपनी मौस बेचकर अपना घर चला सकते हैं, अपने बीवी, अपने घर का किराया देना, नवासों की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। और मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन लोगों की कर चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये लोगों का राशन कार्ड है और ये लोगों के आधार कार्ड से आईडी कार्ड है, ये आधार कार्ड। और एक चीज मैं आप लोग ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त इन लोगों के इतनी प्रॉब्लम है अंकल के पास, अंकल कुछ काम पे नहीं जा सक रहे नाना ये, और जिसकी वजह से इनके पास खाने पीने के राशन की भी कमी है। तो बस ये लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर इनको अगर कारोबार लगा कर देंगे मौस का, अगर कारोबार शुरू हो जाएगा तो इनको आसानी हो जाएगी। और मौस का कारोबार लगाने के लिए इनको 5000 रुपए की बंडी होगी, 5000 रुपए का मौस, टोटल इन लोगों को 10000 रुपए की मदद की जरूरत है कारोबार लगाकर देने के लिए। तो आप लोग जैसे चाहे इनके लिए मदद कर सकते हैं, 1000, 2000, 3000 करके मदद दे सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी आकर मौस की बंडी दिलाना चाहते हैं या मौस दिलाना चाहते हैं, जैसे भी आप लोग मदद देना चाहते हैं बराबर दे सकते हैं। और इस वक्त में इन लोगों की जो हालत बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा परेशान है आंटी लोग, तो इस वक्त मैं खिदमत खुशी की तरफ से इनको 500 रुपए की मदद दे रही हूँ। ये लीजिए, 500 रुपए की मदद दे रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग अगर चाहे तो डायरेक्ट भी आकर इनके लिए मदद दे सकते हैं। और आंटी अंकल जो है नानी नाना बहुत ज्यादा परेशान है। आप बोलो आंटी। ज्यादा परेशान है वो, अस्सलाम वालेकुम। ज्यादा परेशान है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ भी मदद करे तो आपको बहुत बहुत दुआ दूंगी मैं। कारोबार कुछ भी लगा के दियो, बहुत उनका हाथ भी नहीं हो रहा। पहले ऑटो चलाते थे, अब नहीं चला रहे, ऑटो नहीं चला रहे। 2000 किराया है ये कमरे का, बहुत परेशान है हम लोग। 2 बच्चे हैं बेटी के, उनकी जिम्मेदारी भी इन लोग पे है। हमारे इंतकाल होने के बाद में उनके वालिद भी बच्चों को नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए नाना नानी के पास ही वो बच्चे रहते हैं। बस आपसे जो हो सका आप लोग इनके लिए मदद करिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।